इंडिया को आजादी मिलने से 300 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मधुरा सेनापट्टनम को जन्म दिया। समय गुजरने के बाद मधुरा सेनापट्टनम मद्रास हो गया। इस मद्रास के उत्तरी क्षेत्र को अंग्रेजों ने काला शहर का नाम दिया। आजादी के तीव्र संघर्ष के दौरान जनता के एक दूसरे से मिलने के लिए और परियोजनाओं के लिए इस जगह में मंडल बनाया गया। आजादी मिलने के बाद आम जनता की अच्छाई के लिए और समाज सेवा के लिए यह मंडल कार्यरत था। सिंध नई शिल्पी सिंगारा वेलन, रिट्टई मल्ली श्रीनिवासन, जीवा और अयोधी दासर इन जैसे बड़े नेताओं का नाम लेकर इस गांव के बड़े लोग मंडल चला रहे थे। कुछ समय गुजरने के बाद धीरे धीरे इसमें जातिवाद और राजनीति प्रवेश करने लगी। आम जनता के हित के लिए बनाया गया यह मंडल मनोरंजन मंडल बन गया। जिस युवा की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है वो इस मंडल की जिम्मेदारी संभालने लगे, जो अब राजनैतिक सहायता से मंडल में कैरम बोर्ड भी खेलते हैं और लोगों का खून भी करते हैं। ये जो मंडल जनता की भलाई के लिए बना है, जैसा लोगों का विश्वास था, आज वही आम जनता इस मंडल को देखकर डरने लगी है। मंडल गुंडों के रहने का अड्डा बन गया है। किसका खून करना है, कैसे खून करना है, ये प्लान करने की जगह बन गया है ये मंडल। राजनीति नौकरशाही यहीं तक नहीं रुके, इस मंडल के युवाओं में एक लक्ष्य पैदा किया कि वो इस मंडल के नेता बने। इसके लिए योग्य होना चाहिए, जिसके लिए कम से कम 4 खून किए होने चाहिए या फिर एरिया में किसी बड़े शख्स को मार गिराना जरूरी है। इस बात को युवा अपना गर्व समझते थे और इसको अपनी जिंदगी का लक्ष्य भी मानने लगे। खून करके इस मंडल का नेता बनना इस समाज का गर्व बन गया। राजनेता अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, इस बात का वो लोगों को एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह इस पीढ़ी के 2 प्रतिनिधि हैं, बच्चा और वीरा। हाँ, नमस्ते भाई। हाँ, सब कुछ रेडी है भैया? जिला सचिव को आने बोलिए। हाँ भाई, मैं बात कर लूंगा। हाँ, एक कार आ गई, चल जल्दी चल जल्दी चल। हमारे नॉर्थ चेन्नई के नेता, हमारे भाई आलन जी, इस एरिया के किंग और बॉक्सर राजेंद्रन का स्वागत करते हैं। जी, हमें मिले हुए काफी दिन हो गए। रास्ता दे रहे, रास्ता दे। ए, पीछे हटो, पीछे हटो। सूरा, मुझे तुमसे जैसी उम्मीद थी तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। धन्यवाद नेता। नेताजी, ये सूरा है, अपना ही शिष्य है, इसे भूलिएगा मत। जैसे मेरे शिष्य को इस मंडल ने पद दिया, उसी तरह मुझे इस इलेक्शन में भी एक सीट दे दो, इस एरिया को हम कवर कर लेंगे। इसी एरिया में ना सीट तुझे मिल जाएगा, चिंता मत कर। नेताजी, नेताजी प्रणाम। हाँ, हो गया, हटो रे चिरकुट लोग, चलो चलो लीजिए सर। हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। मुझे मंच पर बात करना नहीं आता है। फिर बात क्यों कर रहा है? इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हम सबको फाइट सिखाकर इस एरिया में बड़े बनाने वाले हमारे गुरु राजेंद्रन जी है। ये खुद यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इधर ना, इधर ना, जल्दी ना। जिंदगी मतलब सिर्फ खाना खाकर सोना नहीं है, कुछ और भी मकसद है। आम जनता के लिए समाज सेवा आखिरी दम तक करना है, यही हमारे परम पूजनीय नेताजी ने हमें शिक्षा दी है। यही हमारे परम गुरु हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। मुझ पर विश्वास रखकर इस मंडल का कार्यभार मुझे सौंपा है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद कहता हूँ। तुम्हें बजाना। आज यहाँ ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मंडल के अध्यक्ष होंगे वो कोई और नहीं बल्कि हैं सूरा मुर्गन। ये हमारे प्यारे सूरा मुर्गन, ये कोई मामूली झींगा मछली नहीं है बल्कि तमाम मुश्किलों को पार करने वाले शार्क हैं। इस मंडल की शोभा ऐसे ही बढ़ती रहे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और अब बॉक्सर राजेंद्रन भाई को महावीर सूरा मुर्गन मेमोरियल पुरस्कार भेंट करेंगे। सुनो, कौन सा ब्रांड है, देसी है या फिर विदेशी? पॉन्डिचेरी है नेताजी, आपको पसंद आएगा। क्या बात है, जब से नेताजी का हाथ है देखा है अपना सूरा कितना उड़ रहा है। सूरा के पर काटने पड़ेंगे। सुन, अब मैं जो करने वाला हूँ ना उसे देखकर जिला सचिव खुद कहेंगे कि मंडल का नेता मैं हूँ और तू मेरा उपाध्यक्ष, चल मेरे साथ। ओके। हरे कृष्णा, हरे हरे रामा, हरे कृष्णा। एलू मुलाई की बड़ी हिम्मत है, नेताजी के साथ बैठ के शराब पी रहा है। अरे तू छोड़ना, टेंशन मत ले, चल आ जा, चल ला इधर ला।
अरे लड़के, हाँ। भाई कौन है तुझे पता है क्या? पहले एलू मलई के नाम पे पूरा एरिया हिल जाता था। बॉक्सर राजेंद्र का साला है ये। आता हूँ भाई। तुम्हें कहाँ होना चाहिए और तुम कहाँ हो? बॉक्सर को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम यहीं पड़े हो। भाई आप तो हम दोनों को बचपन से जानते हैं ना, हम दोनों को भी लाइफ में सेटल होना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पूरा मंडल मेरे कंट्रोल में है। आप इस मंडल को एक बार हमारे हाथ में देके देखिए। समझ गया मैं, तुम्हारे अंदर एक आग है और वो आग बुझनी नहीं चाहिए। मिनट में पहुंच रही हूँ। दोस्त है, रास्ते में उतर जाएगा, चलेगा ना? हाँ। बस बस यहीं पर भाई, अब 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है? ठीक है बहन जी। तू मेरी धड़कन में, तू मेरी धड़कन में, तू मेरी धड़कन में, शामिल है सांसों में तेरे बिना मैं जैसे ए हीरो, ताड़ना बंद कर, वो मेरी कस्टमर है। अगर उसे पता चलेगा तो मेरा तो ऑटो ही छीन लेगी। कस्टमर है तो क्या हुआ? हल है? चल अपनी बकवास बंद कर। हे भगवान, अगर किसी को धरती पे भेजना है तो काम धंधा देकर ही भेजना। हाँ बोल पच्चा। भाई अपने पास स्केच बनाने के लिए एक पार्टी आया है। स्केच के लिए? हाँ। अपने पास? हाँ भाई। अभी आता हूँ। तुमने कल प्रपोज किया और आज मैं शादी के लिए जिद कर रही हूँ, तो गलत मत समझना प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। हमारे भागने से पहले कुछ बातें क्लियर करनी है। तुमने भागने का प्लान भी कर लिया? मेरे पापा का नाम है बॉक्सर राजेंद्रन। भास्कर राजेंद्रन? कौन है वो? दो नाम रखे? नहीं, एक ही नाम है, बॉक्सर राजेंद्रन। बॉक्सर राजेंद्रन की बेटी हैं आप? आप कुल्ला पन्नी को जानते हो क्या? जो मर्डरर है वो अभी जेल में है वो? हाँ सुपर्ब, वही। उसके और मेरे पापा में दुश्मनी है, इसलिए वो मुझे उठाने का प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे पापा उससे डर कर मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो घर पर रहकर घर जमाई बने। तुम सिचुएशन समझ रहे हो ना? मेरे पापा के डर से मैं किसी डरपोक से शादी नहीं कर सकती और ना ही उस कुमार से। इसलिए इन दोनों को जो संभाल सके मुझे उससे शादी करनी है, और तभी मुझे आप मिल गए। तो प्यार में टाइम वेस्ट क्यों करना? मैं सही कह रही हूँ ना? और इसीलिए मैं घर से गहने चोरी करके लाई हूँ, तो हम भाग चलते हैं, ठीक है ना? अच्छा बैग में? हाँ। मेरे पापा के गुंडे एनी टाइम यहाँ आ सकते हैं, उनके आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, तो चले। अरे क्या तुम इतना डर रही हो? तुमको पता नहीं है मेरी खूबियों के बारे में? मैं इतना बड़ा ब्लैक बेल्ट हूँ। चल तेरी ब्लैक को मैं लाल करता हूँ। क्या हुआ भाई, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? जिम में आ जाना बाद में। अरे ऑटोग्राफ नहीं, तेरा फोटोग्राफ निकालता हूँ। अरे भाई मारो मत भाई, दर्द हो रहा है भाई। भाई स्केच जल्दी बना, कहीं सूरा ना आ जाए। तू किसी काम के लायक नहीं है। सलाम भाई। राजा मर्डर करना है ना? हाँ भाई। सुन, ये काम बहुत रिस्की है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। स्केच को फॉलो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? ओके भाई। छोटे छोटे कामों से ही पच्ची हम लोग बहुत आगे जाएंगे। क्या बात है भाई, स्केच वगैरह बना रहा है क्या? यार मेघनाथ, हाथ में भी गेम को मिस कर दिया तूने। क्या हो क्या गया तुझे, भूल गया क्या? डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है तू। अरे छी, बोल रहे हम लोग नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, लड़की का मैटर है, प्यार किया था लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है। दिल में बहुत दर्द हो रहा है भाई। ए रो मत, हम है ना, बता शादी कहाँ है, वहीं से उठा लेंगे। कल है भाई, रजिस्टर ऑफिस में। अरे कल उसका शादी और तू इधर गेम खेल रहा है? मैं तो सुसाइड करने जा रहा था। ओ लेकिन डर लग गया तो इधर गेम खेलने आ गया।
10,000 लगेंगे। पैसा आएगा तेरे पास? काय के लिए? लड़की को उठाना है। क्या सच में? हाँ। बच्ची, नशा उतरने से पहले हमें यह काम किसी भी कीमत में फिनिश करना है। एक तो हम ऑलरेडी काम से पहले ही उससे 10,000 रुपए ले चुके हैं। ए, उसके लिए 10,000 रुपए भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तो बहुत शादियां हो रही हैं यार, इतनी सारी सीढ़ियां हैं, चढ़कर उतरने तक डिवोर्स हो जाएगा लगता है। चाहे मैं दिन में वड़ा पाव खाऊं और रात में पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर पिज्जा खिलाऊंगा। भाई, मेरा वचन है। काम बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं उधर जाके देखता हूँ। तू मेरे संग चल, हाँ संग चल, हाँ संग चल ओ सैया, रंगों में पल पल, हाँ पल पल, तेरे नाम की है हलचल। तू मेरे संग चल, हाँ संग चल, हाँ संग चल ओ सैया, रंगों में पल पल, हाँ पल पल, तेरे नाम की है हलचल। ये कहाँ है? उधर है। क्यों, क्या मैटर है? उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है, इसलिए उसे उठाने आया हूँ। नहीं, उसकी मर्जी से हो रही है। बिल्कुल नहीं, उस लड़की का लवर बाहर वेट कर रहा है, इसे डरा धमका कर यहाँ लाए होंगे। मंगलसूत्र पहनाने से पहले ही उठा लेंगे। ऐसे नहीं उठा सकते तुम। क्यों? वो मेरी फ्रेंड है और हम खुद उसकी शादी करवा रहे हैं, और वो उससे प्यार करती है। क्या, वो उसका लवर है? मतलब मेघनाथ? ए, गाड़ी बंद कर। भाई, मेरी डार्लिंग कहाँ है? एक बात बता, लेकिन सच बोलना, क्या वो लड़की सचमुच तेरे से ही प्यार करती थी? भाई, जब वो देखती थी तो हंसती थी, टाइम पूछने पे बराबर बताती थी। हम दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। आप उसे उठा के लाओ भाई, मैं 2 दिन में ही उसे कन्विंस कर लूंगा। ए बच्चा, सुना इस मोटे का कॉन्फिडेंस? बोल रहा है 2 दिन में कन्विंस कर लूंगा तेरी। ब्रेक लगा वीरा, मेरा सर घूम रहा है, थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा सुकून में आना है। एलकिनर एलू मलाई की देख रेख अब पच्चा मुत्तू और वीरा मुत्तू के हाथों में है। हमने छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया है और हम चाहते हैं कि आप सब उस प्रोग्राम में जरूर आए। आंटी, कैसे हो आप? ए, इधर ला। ए, फंक्शन का इंतजाम सूरा ने किया और तू एलू मलाई का गुणगान कर रहा है? काट देंगे तुझे। हाँ, ए अवान दे, ये लो सेट। ए, कॉमेडी चल रहा है, हम लोग घास छीलेंगे क्या? सेठ, अगर आप चाहते हैं कि मंदिर का पैसा मंदिर में जाए तो हमें दे दो, अगर ऐसा नहीं है तो आप जिसे चाहे उसे दे दो। क्या भाई, सूरा तू इस मंडल का नेता है ना? कितने दिन के लिए? सही बोला, सही बोला वीरा, बिल्कुल सही। ए, जबान संभाल के। ए, हो ना हो तेरे दिल में कुछ और चल रहा है, मैं सिर्फ जिला सचिव के लिए रुका हूँ। मेरे भाई, मैं भी उसी के लिए रुका हूँ। ए वीरा, अपना मुंह बंद करके काम देख, बड़बड़ मत कर। क्या बड़ाऊ, कुत्ता कहाँ मुंह लगाता है और कहाँ पूंछ हिलाता है, ये अच्छे से पता है ना तुझे? अच्छे से। ए, मुझे तेरा स्केच बनाने पर मजबूर मत कर। चूहे के लिए क्या स्केच, सीधा काट ही डालते हैं ना। तो एक काम कर, तू मेरा स्केच बना, क्योंकि अगर मैंने स्केच बनाया ना तो गेम फिनिश। ए, गाड़ी निकाल। मेरी बात सुन सूरा, राजनीति करना आसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ जाता है। अगर कोई तुझ पर हाथ उठाता है तो तू उसके कंधे पे हाथ रख, उसे समझने का मौका ही मत दे, यही राजनीति है। आई बात समझ में? क्या बापू, तैन कहाँ है? स्कूल गई है। स्कूल से भी तक आई नहीं? 4 बजे स्कूल से छूटेगी। संभाल कर लेकर आना, लड़की है ना, होशियार रहने का। बापू, चड्डी तो पहनो पहले। मेरी छोड़, तू अपना पैंट टाइट कर ले पहले। ये क्यों फोन कर रहा है? ए वीरा। हाँ बोल। एक जगह से हफ्ता बराबर नहीं आ रहा है। तो तू चाहता है कि मैं वहां पर जाऊँ ना? तू उधर जाएगा तो सही काम होगा, तू जाना। लोकेशन? अत्तगोड़ा। बहुत जल्दी में आज सोया नहीं क्या रात को? इतनी कम धार है कि इससे आलू भी नहीं कटेगा। आज हथियार क्यों उठा लिया भाई? अरे एक अर्जेंट काम है, करके आता हूँ। कहाँ? हफ्ते का प्रॉब्लम है, तू भी चल रहा है के साथ में? बैठ हार के पैसे दिए बिना जा रहा है। ए, खाते में लिख दे। ए वीरा, जाते जाते एक चाय और 2 वड़ा पाव बोल देना, ठीक है? हाँ,
बिरयानी भी बोलता हूँ ना। ऐसा कहीं का काम खत्म करके आने थे, इसका भरता नहीं बनाया ना। देख हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, पहले प्यार से पूछूंगा, मान गया तो ठीक है, नहीं तो टुटकी देकर आता हूँ। भाई तू बहुत गर्म लग रहा है, तुझे देखकर मुझे भी डर लग रहा है। अरे बस मांग लेता तो दे देता ना, भिखारी की तरह क्यों उठा लिया। हाँ हफ्ता चाहिए। हफ्ता? हम लोग हफ्ता हफ्ता नहीं बेचते। देख रहे बात को कैसे घुमा रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे उस बुड्ढे को सिर्फ एक ही मारना। मंडल में हफ्ता बराबर क्यों नहीं पहुँचा रहे हो, क्या धंधा चलाना है या नहीं? ए क्या यार तू क्या बात कर रहा है, सामान निकालना। अरे चाचा छोड़ो ना, अरे क्यों नाराज हो रहे हो? इस एरिया का है तू, खुद को दादा समझता है, आज तेरी गर्दन काट डालूंगा। छोड़ो ना, गलती हो गई, एरिया चेंज हो गया ना चाचा। ए कौन भेजा रे? सूरा मुर्गन भाई। सूरा मुर्गन का साला हूँ मैं, मुझसे अब तलेगा? सूरा मुर्गन का साला, चुपचाप फुट ले। किसी ने देखा तो नहीं? ए छोटू अब क्यों बुला रहा है? पाया तू पिएगा क्या? नहीं मेरा व्रत है। तेज बारिश होने की आशंका है, इसीलिए मछुआरे समंदर में ना जाएं। अच्छा हमें संभल के रहना पड़ेगा भाई। ए क्या हुआ रे बेडू, जाने के टाइम तो इतना गर्म था और आने के टाइम इतना साइलेंट हो गया, क्यों? लगता है खुद का हथियार खुद के गले पे बैठ गया। अरे यार ये लोग अपना बॉडी बना रहे हैं, रोज अत्ता कूड़े में जाते हैं लोग और वहाँ 10 बॉयल अंडा और पाया सूप पी के आते हैं, पंगा मत लेना। ए एड़े हो गया ना बस। भाई क्या हुआ, मामला अत्ताकोड़ा में था या सुंदल में था? अत्ताकोड़ा में था यार। ए, ए, सब लोग चुप हो जाओ। हाँ बोलिए भाई। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए भाई इन लोगों को छोड़ना, ये सब ऐसे ही हैं। मेरा एक पार्टी है जिसको स्केच बनाना है, अगर तू स्केच बनाना जानता है तो मैं तेरे से मिलवा देता हूँ। बोल क्या बोलता है? ए बच्चा, बच्चा चाबी देना जरा। ए बच्चा चाय लेकर आ। चाय देना। भाई लगता है बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, समझा यही टाइम है, अगर हमने इसमें अच्छा कर दिया ना तो अपना बड़ा नाम होगा, क्या बोलता है? हाँ समझ गया मैं, तू चाय ले जल्दी चलते। इधर इधर ही गाड़ी लाकर खड़ा कर। भाई पार्सल। गाड़ी को ऑफ नहीं करना है समझा? ठीक है। ये चेक पोस्ट है, पुलिस को हफ्ता दे देंगे तो वो टांग नहीं अड़ाएंगे। थैंक यू, करेक्ट। ये मेन रोड है, ये जो गली खत्म होती है ना यहाँ पर, इस गली में उस पार्टी को लॉक कर देंगे ना तो काम इजीली हो जाएगा। भाई देखो मेरे हिसाब से ये गली से जाना थोड़ा डेंजरस होगा, इसकी बजाय ये गली सही रहेगी, यहाँ पर खतरा कम होगा। ये तो मुझे समझाएगा? भाई 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 चाय पानी देने वाला तू? अरे भाई स्केच के अंदर घुस के मुझे आइडिया देगा? भाई छोड़ो भाई, जा रहा है यही खत्म कर दूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुझे, दोबारा अगर मंडल में नजर आया ना तो इसे बाहर निकालो जल्दी। ए सुरा तू भी पहले यहाँ चाय ही दिया करता था। छोड़ रे। भाई, 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 अब अध्यक्ष बन गया तो सारा उछल मत। इस मंडल के लिए काम करना पड़ता है। ए, एक तो पहले से ही तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, इज्जत से चला जा वरना मेरे हाथ से मर जाएगा तू। भाई 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 शांत हो जाओ, किससे कैसे बात करना इसको नहीं पता, मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। बाहर ले जाए इसे। चल छोड़ मुझे छोड़। अरे भाई चूहे मार के क्यों अपना हाथ गंदा कर रहे हो, जाने दो ना। बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, ये क्यों इतना हवा में उड़ रहा है? अगर तूने मुझे नहीं रोका होता ना काट डालता, मेरा जब हट्टा ना तब सबका फट्टा है। छोड़ यार टेंशन मत ले, अपना भी वक्त आएगा, तब तक तू इस गुस्से को पाल के रख। बच्ची सूरा ने पूरा मूड ऑफ कर दिया यार, पीने का मन कर रहा है, तेरे पास पैसे है क्या? अभी 12 बजे खुलेगी वाइन शॉप। मुर्गी की गर्दन की तरह दबोच के मोड़ देता हूँ। ये बात पहले मैं मजे के लिए पीता था और अब मैं मजे में पीता हूं। चल बता
मंडल को क्यों हासिल करना है तुझे? कितने दिनों तक हम लोग तलवे चाटते रहेंगे? वीरामुत्तु और पचुमुत्तु एक मास के बने थे, ये हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए क्या? भाई इज्जत से जीना चाहते हैं। वो फट्टू सुरा समझता क्या है अपने आप को? हम दोनों की इंसल्ट करेगा? बस हो गया, हम जिला सचिव से मिलेंगे। ए, क्या सोचते हो तुम लोग? तुम लोग उसके पास जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा? जिला सचिव के पास जाओगे तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ए, जानता है मंडल क्या होता है? मंडल यानी कैरम बोर्ड खेलना, टूर्नामेंट रख के कप देना, जुआ खेलना और साथ ही अपनी ताकत दिखाना। जानता है क्या ये धंधा है? राजनीतिक धंधा, और इसमें हर चीज का कमीशन होता है। जिला सचिव के पास ऐसा एक मंडल नहीं है, ऐसे 10 मंडल हैं। हर एक मंडल में 50 से 100 लड़के हैं। तुम्हारी तरह पता नहीं कितने सारे लड़के होंगे, लेकिन जो दिमाग से काम नहीं लेता उसकी मौत पक्की है, और जो बच जाते हैं उसे पुलिस केस में फंसा देते हैं मेरी तरह। और वो अपना अनिल सेठ, वो मंडल से आखिर क्यों जुड़ा हुआ है? जब कोई मर्डर करके जेल में जाता है तो वो उसे क्यों छुड़वाता है? सुरा के बाहर रहने पर 2 नंबर का धंधा करने वाले सेफ रहेंगे। अगर एक चुटकी बजाएगा ना तो तुरंत भाग लेना चाहिए। किसके लिए? जिला सचिव के लिए। ये पुलिस वाले दखलंदाजी ना करें, इसलिए जिला सचिव की सहायता चाहिए। फ्रेंडशिप। अगर आपको ये सब इतना डिटेल में पता है तो ये आपने क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया इसलिए तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तुम लोग धंधे के बारे में सीखो। हद हो गई तुम्हारी बात, अगर हमने शांति से सुन ली तो तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। वीरा जब स्केच बना के देता है ना तो कभी गलत नहीं होता। बच्चों वाली ड्राइंग को स्केच कहते हो? तू तो ऐसी स्केच बनाता है जिससे दूसरे भी परेशान हो जाते हैं। पिछले हफ्ते जिसका स्केच बनाया था ना, वो खुद ही कट कर वापस यहाँ पर आ गया। उसके लड़के जहाँ तुम्हें देखेंगे वही काट देंगे। मेरा काम है फोटो बनाना, फोटो पे माला डालना नहीं। सही कहा ना? अगर सीखना चाहते हो तो शुरू से शुरुआत करो, वरना नहीं सीख पाओगे। अच्छे अच्छे लोग इस धंधे में फेल होने के बाद बोरिया बिस्तर लेकर वापस चले जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीखना है तो ढंग से सीखो। स्केच शेखर का नाम सुना है तुमने? हाँ। अच्छा वो पुराना डॉन ना? हाँ, वो मेरा दोस्त है। अगर स्केच बनाता है तो एकदम परफेक्ट होता है। अरे मेरा साला बॉक्सर राजेंद्रन है ना, उसने शेखर के स्केच की मदद से ही तो इतना नाम कमाया है। उससे जाकर मिलो, कहना मैंने भेजा है। पहले जाकर धंधा सीख के आओ, उसके बाद धंधे में उतरना। अब जाओ। भाई तुझे ये बचपन की बात याद है कि नहीं? तू बहुत फट्टू हुआ करता था। हाँ मैं भी थोड़ा सा फट्टू था। शेखर के बारे में तुझे एक बात पता है? 10 लोग भी अगर उसके सामने हथियार लेकर आ गए तो एक बार में लड़का देता है। अपने एरिया की काउंसलर है ना रानी, उसके साथ उसका जबरदस्त इलीली चल रहा है। क्यों पका रहा है? अरे ये हिमालय है या शिरडी? कितनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ, धन्यवाद। हाँ। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ बोलो। शेखर भाई से मिलना था जो स्केच बनाते हैं, सुना यहीं रहते हैं? यहाँ तो कोई स्केच बनाने वाला शेखर मुझे पता नहीं है बेटा। नहीं, तुम्हें जगह कौन सी बताई थी? पेरिपालियम काली माता के मंदिर के पास। अच्छा ऐसा है? पहले नॉर्थ चेन्नई के पास रहते थे ना। ओ, जो जंग के मैदान के किंग थे उनकी बात कर रहे हो तुम? समझ गया मैं, जरा उधर देखो। ये साहब इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। बेटा जिस तरह तुमने मुझसे पूछा कि स्केच शिखर कहाँ रहते हैं, ऐसा किसी और से मत पूछ लेना, समझे? पोस्टर में देखा ना तुमने, मॉल मुर्गन, वही उनका नाम है। चलो आ जाओ अंदर, प्रवचन शुरू होने वाला है, तुम भी सुन लो। गुरुजी ने कहा है कि जब पेट भरा हो तभी प्रवचन सुनने में भी अच्छा लगता है। गुरुजी के इस विचार पर मैंने विचार किया, तब मैंने सोचा प्रवचन सुनते रहने से आत्मा जीवित रहती है। पेट भरने से तो शरीर जिंदा रहता है। हेलो हेलो, क्या ये यहाँ प्रवचन सुनने के लिए भेजा था क्या? क्या वो आदमी गोली देकर पूरे गांव वालों को अपनी मुट्ठी में रखा है। क्या बोल रहा है? भाई हमें सच बताओ, ये स्केच वाला ही शेखर है ना, या नशे में हमें यहाँ पर भेज दिया? ए, मुझे चढ़ते नहीं है समझा, वही स्केच शेखर है। मैं सब कुछ बेच कर सड़क पर आ गया और वो वहाँ है। जाकर उससे अकेले में मिल, उसे राजी कर, नहीं तो हार मान के वापस आ जा, और वापस आके मेरे साथ रेडी पे बैठ। वो क्या कह रहा है? याद भी वो नहीं है। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है कि अगर तुम्हें कोई चाकू से मारने आ रहा है तो आप उसके क्रोध को अपने प्यार से प्यार में बदल सकते हैं, यही है इसका अर्थ। हे अरे उठ। बैठो बैठो, बैठ जा। बोलो मुझसे क्या काम है? सीधा मुद्दे पे आते हैं। हाँ। वो अलूमलाई भाई ने हम लोगों को इधर आपसे स्केच सीखने के लिए भेजा है। हाँ भाई, यहाँ आध्यात्मिक काम होते हैं,
मारा मारी का काम नहीं होता, जाओ जाओ। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे एरिया में 10 लोगों ने आपको घेर लिया था और आप अकेले ने उन 10 लोगों को ऐसा मारा कि वो उल्टे पैर दौड़कर भागे। आप इतने महान है कि मैं आपको आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बस इतना ही नहीं, मेरी स्कूल टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मैंने आपका नाम बताया। भाई झूठ बोल रहा है। जब रानी और आपका टाका भिड़ा था तब मैं ही आपका डाकिया था भाई। रानी मुझसे अक्सर मिलती है, वो अभी भी आपके प्यार में पागल है भाई। ये क्या लव लेटर लिखा है, ऐसा फील कर रहा है। चलेगा भाई, आपने धंधा नहीं सिखाया तो क्या हुआ, आपने इतनी देर बैठकर हमारे साथ बात की वही मेरे लिए बहुत है। समझ गया, तुम जो बोल रहे हो वो सच है। उस जमाने भाई, आपसे मिलने के लिए बाहर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ए, चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पे आके टाइम खोटी नहीं करने का, चलो निकलो। चलते हैं, जगह पर ऐसे चमचे लोग आ ही जाते हैं, चलो निकलो। ये दोनों बहुत दूर से आए थे, तुमने उन्हें भगा क्यों दी? ए, ये देख, अभी सारा मामला खत्म हो गया, अभी हम लोग सही लाइन पे जा रहे हैं। रोड पर चलते हुए भिखारियों को घर पर बुलाकर प्रवचन दोगे तुम? हैं, थोड़ा सा क्या तारीफ कर दे, तुम्हारा चेहरा खिल गया है। और एक बात याद है ना, कि तुम एक हार्ट पेशेंट हो। क्या यार, मैंने क्या बताया और तुमने क्या कहानी बनाकर सुनाई। कौन है ये? लगता है किसी को उठाने आए हैं। चलो मेरे साथ चलो। पर कहाँ? अरे आओ ना, बताता हूँ। चल चल, अरे चल बैठ गाड़ी में, ले जा रहे हो, चलो बैठो चल। अरे कुछ तो बोलो। अरे मैंने कोई ओला बुक नहीं किया है। मैंने भी। अरे बैठ जाओ, बताते हैं बताते हैं। अरे पर हम लोगों को लेकर क्या कर रहे हो? अरे पहले नहीं बता सकते थे? भाई ने याद किया, हार्ट बीट तेज हो गई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तुम्हारा कल्याण हो। किसी को मारना हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अपनी गाड़ी हमेशा रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि मैटर खत्म होते ही अगर बहुत दूर तक भागने की भी जरूरत हो तो भाग सकते हैं। जिसे मारा उसे छोड़कर नहीं भागना चाहिए, चेक करना चाहिए वो मर गया कि नहीं, कंफर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो बच गया तो कभी न कभी, चाहे हम जहां भी रहेंगे, वहां आकर हमसे बदला जरूर लेगा। क्योंकि किसी भी काम को हम अधूरा छोड़ सकते हैं, लेकिन इस काम को अधूरा छोड़े तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। हेलो, क्या भाई क्या कर रहे हो? इतना काम का आदमी तुम्हारे पास है और तुम मंडल में बैठ के झूठा खाना खा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बता रहा हूँ। ये लो, अगर कहीं किसी का गेम करने जा रहे हो तो फटाफट मशीन की तरह अपना हाथ चलते रहना चाहिए। हथियार को शो के लिए रखोगे क्या? सामान निकालो, देख कर ध्यान से, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ आगे जाओ। कल्याण हो बहन। ए नालायक, लाइन में जाकर खड़े हो जा। भक्तों, सुबह सुबह लफड़ा मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या सेठ, लगता है धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। ए बेवकूफ, इधर क्या मुंह देख रहा है, पीतल का हंडा अंदर रख, काम चोर। ये सेठ इशारे से हमको गाली दे रहा है, बस शाना सेठ है। ए, क्या चाहिए तुम लोगों को, सुबह सुबह लफड़ा मत करो, धंधा कड़ाई में, चलो निकलो यहाँ से चलो। बात ये है कि जिस सूरा को सेल्फी लेना नहीं आता है, तू उस सूरा को फुल फाइनेंस कर रहा है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, मैं गेम करने वाला हूँ और तू उस बेल को फाइनेंस करेगा। गेम और तुम लोग, आज तक हथियार कभी हाथ में उठाया क्या? मंडल में चाय पानी देने वाले लड़के को सेठ कभी फाइनेंस नहीं देता। सुबह सुबह कॉमेडी मत कर, जा तो चाय बोल दे। ए, हम लोग किस जगह पर किससे कैसी ट्रेनिंग लेकर आए हैं पता है क्या? हम लोग अगर गेम बजाएंगे तो तू पैसे देगा या फिर एक मार दो टुकड़ा, बोल क्या बोलता है? पहले करके दिखाओ फिर बात करेंगे, निकलो। ए सुन ले, गेम खत्म होने के बाद हम लोग सरेंडर होंगे, और अगर तू वकील के साथ हमारे बेल के लिए
नहीं आया ना तो हटिया तैयार रखना है। भाई कोई ऐसा आदमी बताओ जिसे मारकर हम फेमस हो जाए। ए मूर्ख इधर ला। ए अंदर गया कुमार, शान बाड़ा का बालाजी, आला कोंडा का नवाब, रायपुरम का फ्रांसिस, एमजी का खान, एंटॉप हिल का सापू, बॉक्सर राजेंद्रन। भाई हाँ? अगर चीटियों को मारने की बजाय बॉक्सर राजेंद्र को ही उड़ा दें तो? हे, क्या बोला तूने? राजेंद्रन का गेम बजाएगा हा? इतनी हिम्मत है तुझमें? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, बॉक्सर राजेंद्रन को चाकू से मारना कोई आसान काम नहीं है। राजेंद्रन कोई आम इंसान नहीं है, बॉक्सिंग किंग है, घूसे से मार डालता है। जिन बाकी लोगों की लिस्ट है ना तुम्हारे पास, वो सब उसके सामने पानी भरते हैं। उसके सामने बिना हथियार मत जाना, वरना तुम लोगों को तो वही मार डालेगा। ए, लाइ दे। राजेंद्रन का नाम लिस्ट से बाहर और बाकी। ये क्या भाई, रुक जाओ। लिस्ट में अगर सबका नाम काट दोगे तो हम गेम किसका बजाएंगे? राजेंद्रन के जितने भी शिष्य हैं उनमें सबसे खास कुलपन्नी और कुमार, बैठे बैठे किसी का भी गेम बजा देते हैं। उनके पास जो भी काम करता है ना, पैसे के लिए काम नहीं करता, सीखने के लिए काम करता है। अभी राजेंद्रन के सबसे असली दुश्मन है कुलपन्नी और कुमार। राजेंद्रन बेचारा कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। आजकल इन दोनों के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस आते हैं, इसीलिए कह रहा हूं इन लोगों के साथ दोस्ती दुश्मनी सब खराब है। भाई क्यों ना हम स्ट्रेटली सूरा को ही मार दे, तो वही तो अपना दुश्मन है ना, मंडली भी अपने हाथ में आ जाएगी। वीरा जो बोले सही लगता है भाई। हाँ सही लगता है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, हम जिसका भी गेम बजाने वाले हैं वो आदमी छोटा आदमी तो नहीं होना चाहिए, और उसके मरने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उस एरिए में भीड़ हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, सामने वाली पार्टी को अकेले ही आने देना चाहिए और उस पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए। भाई आज बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है आज कुछ गलती करने जा रहे हैं। ये ले पी, पीना। अब बढ़िया, सही लग रहा है। जब तक वो अलग अलग ना हो जाए वेट करना चाहिए, फिर अपना काम करना चाहिए। उसने कितनों का स्केच बनाया होगा, लेकिन आज हम उसका बनाएंगे। तू डर मत समझा, बस उसे थोड़ी ही देर में वो हमारे हाथों से मर जाएगा। और अगर ऐसे ही मर गया तो, अगर वो खुद मर गया तो छोटा सा न्यूज़ बनेगा, लेकिन अगर हमने उसे मारा ना तो पूरे तमिलनाडु में हम फेमस हो जाएंगे। अरे यहाँ ये क्या वीरा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ, कुछ डाउट है? आशीर्वाद दीजिए भाई। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। वो खुद भी मरना चाहिए, अपने को मारना था, यही प्लान है। चल चल निकलते। ए, रुक जा, रुक जा। अरे, पकड़ो उसे। हमने इसको मारा है, यही लोगों को पता चलना चाहिए। अरे, गुरुजी को बाहर चला, कोई है, पकड़ो, पकड़ो उसे। अरे पूरे चेन्नई को हिलाकर रख देने वाले शेखर, जिनकी उम्र 60 साल थी, सुबह सुबह जब जॉगिंग के लिए निकले तब दो अनजान लोगों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस इस हत्या की जांच कर रही है। देखा ना मेरे भाई ने क्या किया है, कैसे गेम बजाया, देखा ना। अरे बाप रे, कल रात हम सब बैठ के दारू पी रहे थे, जैसे ही नींद खुली पता चला गुरुजी का उन दोनों ने गेम बजा दिया। अरे इतना हिम्मत कहाँ से आया रे? ए सुरा, तेरे मंडल के वो लड़के है ना वीरा और पच्चई, मुझे उनके ऊपर डाउट है। वो दोनों तो भाग गए, तुझसे इंक्वायरी करनी है।
चल पुलिस स्टेशन चल। यही है मेंबरशिप लिस्ट, देखो उनका नाम है क्या। ये आम जनता की सेवा के लिए बनाया गया मंडल है साहब। चाहो तो अपने जिला सचिव से बात कर सकते हैं। तुम लोग ही हो क्या? ठीक है दम है, सरेंडर ही कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों ने खून किया, जज के सामने मत बोलना, समझे? जज पूछे तो बोलना। हम लोग रात को ठंडी हवा खाने निकले थे बाहर, हम लोग बेगुनाह है इसीलिए गवाही देने यहाँ आ गए, समझे? हमारे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं? एरिया में अपना ही नाम चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये लो मलाई, तुम लोगों पे बहुत गुस्सा है भाई। सुरा भाई का वाट लगा हुआ है, वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है। अरे तू फिकर मत कर, मंडल तेरा ही होगा। क्या यार, जेल में सैर कराने निकला है। ए, तू पैसा देगा इस बात पर? ये कुमार एक बार तो मान गया, अभी मैं चुपचाप बैठा हूँ तो तू मुझे नामर्द समझने की गलती कर रहा है। अरे, ये तो सूर्या होटल में रूम नंबर 201 में भाई ठहरा हुआ है, उससे मिल, नहीं तो तू गया। अब चलो चलो चलो, कैसे चलो, निकल निकल निकल, चल 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 चल। जिसने तुमको धंधा सिखाया उसी का बाप बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या गलती थी उसकी जो तुमने उसे मार दिया? बहुत बड़े फांदेबाज हो तुम दोनों, लेकिन यही बात मुझे अच्छी भी लगी। मैटर क्या है भाई? बहुत जोशीले हो। अच्छा है, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? हमें भी तो आपकी तरह भाई ही बनना था, लेकिन आगे क्या करना है ये नहीं सोचा। मेरे लिए एक काम करो, वकील को बोलता हूँ बेल तैयार करने के लिए, जितना चाहिए पैसा ले लो, निकलो यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं भाई, अनिल सेठ हमें छुड़ाने के लिए वकील लेके ही आते होंगे। आपके पास तो बहुत सारे लड़के हैं, तो हमारी क्या जरूरत? गुस्सा मत कीजिए भाई, आप जैसे डॉन ने हमारे साथ डील किया यही बहुत बड़ी बात है, चलते हैं। ये अनिल, सुना है आजकल मेरे पीछे बहुत काम कर रहा है तू? कुमार भाई आप गुस्सा मत करो मुझ पे, अपने एरिया के लड़के लोग हैं इसीलिए हेल्प करने वाला था मैं। भाई एक मिनट के लिए से फोन दो ना, प्लीज प्लीज बात कराओ ना। सेठ, अबे खजूर, तू हमारी दुश्मनी किससे कराने वाला था? तुम लोग के लिए कोई वकील वकील नहीं है, कोई बेल बेल नहीं होगी, सड़ो जेल के अंदर, तुम लोग इसी के लायक हो। सॉरी कुमार भाई। मैं जब भी काम बोलूंगा, काम क्या है इतना ही पूछने का, नहीं होगा नहीं बोलने का, समझा गया? क्या काम है भाई? जल्दी समझ गया, अगर नहीं हुआ ना तो ऐसे तुरंत पैर पे गिर जाने का, बहुत आगे जाएगा तू। थैंक्स भाई, मैंने सिर्फ मंडल के लिए शेखर भाई की जान ली थी। किस एरिया का मंडल है? वीरकुड्डी मंडल, सिंधनी सिर्फी, सिंगार वेलन, मना मधी मंडल। सूरा अध्यक्ष है ना उस मंडल का अभी? हाँ भाई। ठीक है, काम कर दे पूरा मंडल तेरा। भाई जब से आप आए हैं काम ही काम बोल रहे हैं, लेकिन काम क्या है ये तो बताइए। लड़की का मैटर है, उसका नाम है रेणुका, उसको फॉलो करके उठाना है, बस इतना ही। हम लोगों को इतना मामूली काम दे रहे हो? मैंने सोचा था कोई मर्डर का काम होगा, डीलिंग का काम होगा, लड़की को उठाने का काम भी कोई काम होता है क्या? ए, बहुत सारा काम है मुझे, जो बोला है वो कर निकाल। भाई हम लोगों के ऊपर खर्च करके बाहर भेजने के बजाय आपके आदमी भी तो भाभी को उठा सकते हैं ना। ए, इधर इतना पुलिस का प्रोटेक्शन है, इतने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आसानी से लड़के मिल जाते हैं, एक मच्छर भी अंदर घुस नहीं सकता, इतनी सेफ जगह पर बैठा हूँ मैं। बाहर बहुत सारे मामा हथियार लेकर बैठे हैं, लेकिन मेरे को अंदर रहकर गेम बजाने का है। कुमार भाई बाहर आ रहा है ये जानने के बाद बस सलाम करने को हाथ उठेगा, समझा गया? कौन से काम के लिए किसको भेजने का है ये मैं डिसाइड करूंगा, अभी ये काम तुम लोग करो, चलो फुटो। हे फुटरे, यहाँ से सीधा ऑफिस जाओ, वहां से डिटेल्स मिल जाएगा।
कुमार ने इसको ऑफिस बोला था क्या? आप ही वीरा मत्तु पच्चु मत्तु। हाँ इधर बैठिए। ये लीजिए जयसिलन, आपके प्रोजेक्ट का स्केच। ये न्यू वर्जन 2.0 एग्जैक्ट अयोध्य चौल। ओके ओके टाइम 9 o'clock। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। भाई जैसे स्केच बना के दिया वैसे स्केच के हिसाब से चलना, ठीक है? जबरदस्त टेक्नोलॉजी है भाई। मिस्टर वीरामत्तु ये लीजिए आपका प्रोजेक्ट। इस फाइल में फुल डिटेल्स हैं, प्लस आपके वर्क का पेमेंट है। आपको 2 असिस्टेंट भी दिए गए हैं। बाकी सब ठीक है, लेकिन खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? यहाँ इधर ही होटल से फूड आ जाएगा। डेली आप सिर्फ रिपोर्ट सबमिट कर दो। ओके एनी डाउट्स? रिपोर्ट मतलब हा? हो ना वो? वो मतलब? मतलब उस लड़की को उठाने आए हो ना? और तू है कौन, इधर क्या कर रहा है? मैं गेम करने आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मर्डर करने वाला हूँ, उतने गैप में मैं तुम लोगों के साथ असिस्ट करूंगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? पच्चे मुत्तु। उसका नाम वायर मुत्तु है क्या? मेरा मुत्तु। ये क्या सब मुत्तु ही जमा हुए हैं? आई एम जितेश। ऐसे क्यों देख रहे हो, शक्ल और नाम मेल नहीं खा रहा, यही सोच रहे हो? बात करते करते उधर क्यों मुड़ गए? मेरे घर वाले मेरा नाम जम्बू मान रखे थे, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के लिए मैंने अपने स्टाइलिश नाम रख लिया जितेश। ठीक है, अच्छा हुआ हम सब एक ही साथ मिल गए, हाथ मिलाओ। आ, क्या हुआ, मैंने गलत जगह पर नहीं रखा था? गुड नाइट। ये इधर क्या कर रही है? भाई, इसको कहीं देखा है? ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में देखा था। हाँ ये वही है। इतनी पुरानी बात भी याद है तुझे? ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसकी शक्ल कैसे भूल सकता हूँ? भाई मालदार लग रही है, जरा संभल के। हाँ थोड़ा देख के बढ़। हाँ भाई बॉक्सर भी इधर है यार। भाई भाई हाँ चल कुछ खाते हैं। हेलो फॉलोअर्स नहीं हो ना? कौन है? अरे मैं तुम्हारा असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जॉन्टी रोज। ओ जहाँ बताया था वहाँ पहुँच गए। मंदिर की गली पे है ना उसका घर? हाँ यार अंदर कोई फंक्शन चल रहा है। हाँ अंदर बॉक्सर और उसका लड़का लोग भी है। हाँ वो बॉक्सर के घर का ही फंक्शन है, अंदर बॉक्सर और उसकी 3 बीवियाँ और उसकी बेटी। आप लोग जिसको उठाने वाले हो वो उसकी बेटी ही है, कुछ समझे क्या? बॉक्सर है, उसकी 3 बीवियां हैं, यानी वो बॉक्सर की बेटी है। भाई बोलने की टाइमिंग बहुत जरूरी है। आप सिर्फ हमें गाइड करो, हम लोग अंदर घुस के उठा लेंगे। ओके ना? ए पचा ये देख, बॉक्सर राजेंद्र का घर है। 10 मिनट से ज्यादा यहाँ खड़े रहे तो उसके लोग हमें काट डालेंगे। चल यहाँ से निकलते हैं। ए, इतनी दूर हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? क्या यार लड़की उठाना है तो यहीं पर आएंगे ना। भाई 2 सिगरेट देना। तेरी आंखों में थोड़ा भी डर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, एक तो वो कुमार की गर्लफ्रेंड है और ऊपर से बॉक्सर की बेटी भी है। भाई ये लोग हम पे नजर रखे हुए हैं, यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे? भाई हर बार उस तरफ है ना? हाँ इस तरफ जाना है ना? हाँ, हाँ चल इस तरफ चलते हैं। चल आराम से चलाना यार गाड़ी, बहुत दौड़ाता है तू।
बेटी बिना वजह प्रॉब्लम होगी, ये तुम्हारे पापा का कार्ड है। देखिए मेरे पापा के पैसे पर मेरा हक नहीं है क्या? अगर यहाँ दुकान चलानी है ना तो प्रॉब्लम फेस करनी होगी। चल पैसे दे। क्या यार ये सेठ से कैसे बात करी, देखा तूने? इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है यार। फॉलो करना बहुत हो गया, अब इसे उठा लेते हैं चल। ए तू अकेले कैसे डिसाइड कर सकता है, तेरे साथ मैं भी आया हूँ यहाँ पर। ए तेरा रिश्ता लेके नहीं जा रहे हैं चल। हाँ बॉक्सर जी। हाँ। मैं ज्वेलरी दुकान से राम बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरी दुकान में आई थी और कार्ड स्वैप करके कैश लेके गई है। आपकी बेटी है इसलिए मैंने दे दिया। पास में लड़का है क्या, देखो उसको फोन दो। इधर तो कोई नहीं है। इसकी माँ का इसको एक काम के लिए भेजा था, पता नहीं कहाँ चला गया ये। ये जा जल्दी रेणु को घर लेकर आ। कहाँ है तू, कार के अंदर देखना। हेलो। आप लोग हो पर यहाँ कैसे उठाने आए हो? तुम्हें उठाने? मुझे मुझे अर्जेंट काम है, मुझे बाद में उठा लेना ठीक है? क्या भाई तू लड़की उठाना तो उठाना, बात क्यों कर रहा है? अरे स्प्रे मार, मुंह पर रुमाल रखकर उठा, बकवास कर रहा है। तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस गई। क्या चाहिए? देऊं टक। क्या संस्कार दिए लड़की को, कल शादी और आज ये घर से भाग रही है। ए समझा दे इसे, समझ में आने ना इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जवानी में जब आपका खून गर्म था तो हम तीनों को उठा के यहाँ ले आए, अपनी किस्मत समझ के चुप रहे हम। लेकिन वो कुमार की बहन तो आपकी बेटी की उम्र की है, उसे लाकर यहाँ 10 दिन रखा आपने, इसलिए हम लोग ने आपस में प्लान बनाया और उसे यहाँ से भगा दिया। कुमार आपकी बेटी को क्यों छोड़ेगा? वीरस कुमार का फोन है। बोलो भाई। लड़की को फॉलो करने के लिए बोला था ना, क्या कर रहा है? वो हम भाई बहुत मुश्किल काम लग रहा है, ये सिर्फ हम दो लोगों से नहीं होगा, दूसरा काम बोलो झट से कर देंगे प्लीज भाई। एक बात बोलता हूँ, अच्छे से भेजे में उतार ले, जब मैं कहूँगा तभी तुम लोग इस खेल से बाहर आ सकते हो। लाउड स्पीकर पे डाल। रेणु को किडनैप करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे ना तो दुनिया से उठ जाओगे। टेंशन नॉट भाई, उठा लेंगे। क्या यार कुमार जो भी बोलता है तो दांत दिखाकर रोके रोके बोलता है, वो डेली एक धमकी दे रहा है। देखो बॉस, तुम दोनों को देखकर लगता है कि जल्दी ही बड़े आदमी बनने का ख्वाब देख रहे हो हा? मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम दोनों को असिस्ट करने के लिए मैं और जॉन्टी आए हैं। अगर तुम लोग उस लड़की को नहीं उठाए तो जॉन्टी उठा कर ले जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम लोग पूरी जिंदगी यहीं पर रह जाओगे। कुमार के बारे में मुझे पता है, क्योंकि उसने मुझे भी रेणुका को उठाने का मौका दिया था, मैंने मिस कर दिया और मैं आज तक वहीं हूँ। मैं उस टकले की चमचागिरी कर रहा हूँ। तुम दोनों को एक आइडिया देता हूँ, तुम लोग रेणुका को उठा लो। अगर तुम लोगों ने उसे उठा लिया तो तुम लोगों का सपना पूरा हो जाएगा, क्या बोलते हो? पिछली बार हम दोनों गए थे लड़की को उठाने, लेकिन काम ही नहीं हुआ। ए कहाँ से उठाओगे, ये इम्पोर्टेंट है। हम सीधा उसके घर ही चले जाते हैं, वो भी आज रात को। हाँ तुम बहुत चालाक हो यार, शेर अपनी गुफा में लापरवाह रहता है। अभी उसके बॉडीगार्ड्स अलर्ट होंगे, रात में नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे, वो लड़की आराम से सो रही होगी, उठा लेंगे। अगर लड़की के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती हुई ना तो पूरे घर को उठा लेंगे। ये पहन के देखो। मैं तो ये वाला पहनूंगी, ये देखो कितना सुंदर है ना। रेणु पहनूंगी तो जवान लगूंगी, रेणु जवान लड़के मुझे देखेंगे। अरे रेणु घर पर नहीं है। अरे रेणु, रेणु रेणु घर पर नहीं है, जाके ढूंढना उसे। कहाँ गई होगी? वीरा तूने एक बात नोट की, इस घर में सारे के सारे ही पागल लग रहे हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो, 5 मिनट ही बचे हैं, जल्दी बैठो गाड़ी में। ए, 5 मिनट में क्या करने वाली हो? शादी से भाग कर आई हूँ, इसलिए 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। ये लो चाबी, स्टार्ट करो। मेरे पास ऑलरेडी कीज है, अगर नहीं होती तो मैं कार कैसे लाती? बाप से बड़ी चोर निकली है तो। क्या किस्मत लेकर आया हूँ, सारे काम अपने आप ही बनते जा रहे हैं। क्या अपने आप बन रहे हैं, हम इसे उठाने आए थे, ये हमें उठा के लेके जा रही है। हेलो गीता, टिकट्स मिल गई क्या? ठीक है 5 मिनट में कॉफी शॉप आ जा। ओके ए हेलो, गाड़ी कॉफी शॉप में नहीं जाएगी, सीधा जमालिया गोडाउन में जाएगी, चलो। ओके पहले कॉफी शॉप जाके टिकट्स लेंगे, उसके बाद तुम मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करना और फिर जहाँ चाहे वहाँ जाना, ठीक है? इधर जाओ उधर जाओ ये तुम्हें नहीं बोलना है, समझ गई? सीधे चलो, हमने तुम्हें किडनैप किया है। ए हाँ थोड़ा डरा के बोल, हंस के बोल रहा है। चल पहले टंकी तो फुल करा लें। ए
कौन है? हेलो भाई, लड़की को उठा लिया? ये काम सिर्फ तुम दोनों ने कर दिया? हाँ भाई, मैंने और वीरा ने पक्का प्लान करके लड़की को उठा लिया। ठीक है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं। फोन तेरे फंटर को दे। हाँ एक मिनट, कुमार है। लड़की को गोडाउन में लेके जा, आज पूरी रात वो उधर ही रहनी चाहिए। हाँ भाई, प्लान के मुताबिक ही होगा सब। कुमार को यकीन ही नहीं होता कि हमने उठा लिया उसे, अपने को बेवकूफ समझ रहा है। इडियट, लड़की को उठा लिया क्यों बोला? एक सच बात बोलूं, कुमार ही असली गुंडा है। ए? लड़की गायब हो गई। भाई उस लड़की को देखा? ए भाई, हाँ? उस लड़की को देखा? नहीं, उस गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी। तुम लोग की लापरवाही की वजह से वो भाग गई होगी। घर में तीन भैंस होकर भी एक लड़की को संभाल नहीं पा रही हो तुम लोग। तेरी। ऐसा नहीं है जी, हम सब तैयार हो रहे थे उससे तैयार होने के लिए। उस दिन मैंने क्या कहा था? क्या तुम्हारी शादी जो इतना सच संवर के खड़ी हो यहाँ पे? हैं? लड़की को छोड़कर जबान लड़ा रही हो? मैं तुम लोग को ना बाद में देख लूंगा। ए पंडित, अब हम क्या करेंगे? शुभ मुहूर्त निकल गया है, अब शगुन हो गया है। अगले 10 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। पहले लड़की को जाके ढूंढिए। मंडप का सारा काम रोकने के लिए बोलो। अब फोन आएगा ना, तू ही बात करना, मैं बात नहीं करूंगा। अपना पावर दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ा भाई, सॉरी। ए रेणुका उठा। ए कहां भाग गई तू? मेरे पापा के आदमियों ने मुझे उठा लिया है। सेंट्रल स्टेशन के पीछे आ जाओ प्लीज, मुझे कैसे भी बचा लो। ए हम लोग तुझे बचाने क्यों आए? कुमार से जो तुम लोगों ने बात की है मैंने वो सुन ली। तुम लोग अगर मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तभी तुम लोग सेफ हो, वरना कुमार तुम लोगों का क्या हाल करेगा ना। हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। कुमार ने दो मुखबिर छोड़े हैं, स्केच शेखर का गेम बजाकर अंदर गए थे, वीरा पच्चा, कुमार ने ही उन दोनों को बेल दिलवाई है और उन दोनों ने ही घर में घुसकर रेणुका को उठाया है। ये क्या कह रहा है तुम लोग को ना, जब उसने घर से उठाकर लेके गया झक मार रहे थे क्या? भाई अब बेकार में गुस्सा कर रहे हो। भाई भरोसा करो, ये एकदम पक्की खबर है। अगर जिला सचिव ना होता तो उन दोनों को कब का मार डालता, गर्दन उड़ा देता। अंदर कुमार सेफ्टी से बैठकर मुझे बाहर हूल दे रहा है क्या? मैं उसको बाहर निकालकर खुद ही उसको काट डालता हूँ। ए अभी वो लड़के कहाँ मिलेंगे? आ गए हैं, मेरे घर के पीछे आ जाओ। ए, हमको बेवकूफ समझती है क्या? तेरे घर गए तो तेरा बाप हमें पकड़ लेगा, यही प्लान है क्या तेरा? घर के पीछे आ जाओ, मुझे अभी प्लान करना है। ए, घर के पास बुलाकर और कहीं मत बुलाना। नहीं, तुम आओ। वो जहाँ जहाँ बुला रही है वहाँ वहाँ हम लोग जा रहे हैं, फंस जाएंगे हम लोग। भाई गाड़ी की डिक्की से फोन की आवाज आ रही है। घर के पीछे बोला था गाड़ी की डिक्की से निकल रही है। हाय। पिकअप करने को बोला था, अभी ड्रॉप हो रही है। ए, हम दोनों को देखकर क्या लग रहा है तुझे? इतना आसानी से नहीं भाग पाएगी तू इस बार, चल उठा इसे। उधर देखो, मुझे उठाओ या मत उठाओ, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ 5 मिनट रुके तो तुम लोग फंसे, तो यहाँ से निकल जाओ, सेफली घर जाओ और पहुँचकर मैसेज करो। ओके बाय। कुमार पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मैंने तो बोल दिया कि लड़की को उठा लिया। ए, ए। इस लड़की को लेकर अगर हम कुमार के हवाले कर देंगे और लड़की मुझसे पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या बोल रहा है यार? चल भाई, रेणुका दीदी आगे। कहाँ थी रेणु? रेणु तुम ठीक तो हो ना? कहाँ ले गए थे वो लोग तुम्हें? क्या हुआ? ए, चुप बैठो ना तुम लोग। रेणु, उन दोनों ने मिलकर तुम्हें किडनैप किया था ना? आपकी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे उठवाया था, ताकि आपकी नाक कट जाए और ये शादी ना हो पाए, और कोई बात नहीं है। ये क्या रेनू, अपने पापा से ऐसे बात कर रही हो? मम्मी पापा, मैं ब्रश करने भी जाती हूँ ना तो मेरे पीछे 2 लोग आते हैं साथ में, बाहर जाती हूँ तो 10 लोग आते हैं, यहाँ तक कि ठीक से सांस भी नहीं ले पाती हूँ मैं, ये भी कोई जिंदगी है? अगर आपकी उससे दुश्मनी है तो जाओ जेल में और मार दो उसे, इस सब के बीच में हम क्यों पिस रहे हैं? अरे रेणु, तू समझ नहीं रही है, ये सब तेरी सिक्योरिटी के लिए है। पापा आप कुमार की तरह स्मार्ट नहीं है, और ये बात मैं समझ चुकी हूँ। ये कब से इतना जबान चलाने लगी? इस लड़की ने एकदम क्रिमिनल दिमाग सोचकर हमें फंसा दिया। ए पी रे, जो होगा देखा जाएगा। ए पीना यार, ये ले। कौन है? कुमार।
पकड़। बोलो भाई। रेणुका को फोन दे। हमने शादी को रोक दिया, फिर उसे रखकर क्या फायदा, इसलिए हमने उसे भेज दिया। अबे ज्यादा शाना बनता है क्या? रेणुका की शादी भी हो गई ना तो उसका मंगलसूत्र काट कर उसके साथ जी लूंगा। मैटर वो नहीं है। अखा रात भर उसके लड़की गायब है ये सोच कर बॉक्सर मर जाता। उसको छोड़ दिया। आज के बाद तुम लोग इस खेल में नहीं हो, आगे से अपना थोबड़ा भी मत दिखाना। नो, नहीं नहीं भाई, मंडल के लिए हम लोगों ने ये सब किया था और आप बीच में छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा भाई, प्लीज ऐसा मत करो। क्या बोला? मंडल चाहिए? अब एक काम होने के बाद मैं खुद तुम दोनों को मार देता, लेकिन कुमार ने दो चूहों को मार दिया बोल के मेरा नाम खराब हो जाता, समझा? लेकिन कल तक तुम दोनों जिंदा बचोगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, मैंने पहले ही बोला था ना वीरा, इसके साथ हाथ मत मिला, उसका काम होते ही हमको बीच रास्ते में छोड़ देगा। लड़की खुद भाग गई है, बताना चाहिए था उसको, सो ज्यादा डॉन बन के नाम कमाएंगे, सब उल्टा हो गया। वो लड़की एकदम चोर है, अपना काम होते ही कैसे हिरन की तरह भाग गई। तो ही उससे प्यार करता है इसलिए सब गड़बड़ कर दिया, सब कुछ हाथ में आ गया सोचने लगा था, लेकिन आप रोड पर घूम रहे। रोक रोक रोक, इधर आगे आगे। भाई भाई उठिए भाई, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम्हें किसका गेम बजाना है? भाई मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, हम लोग क्या करते, आपने ही तो कहा था ना ये कुछ बड़ा करके दिखाओ, इसलिए हम दोनों ने मिलकर गुरु को दक्षिणा दे दी। तुम्हें जिंदा रहना है तो किसी को भी मार दोगे भाई, दरअसल तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं ऐसा मत करो भाई, आप तो हमें कितना अच्छे से जानते हो, कितनी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे पता है आपको? क्या कुल्ला पन्नी ने रास्ते में छोड़ दिया तुम लोगों को? सुन के झटका लगा, ये सोच रहे हो कि मंडल के आसपास घूमने वालों को कैसे पता होगा? ए तेरे जैसे 100 लड़के हैं मेरे पास। भाई जो होना था सो हो गया, अब आप ही रास्ता दिखाओ ना। आपसे पूछने में कैसी शर्म, इसलिए मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ है क्या? आज जो किया है तुमने उसके बाद तुम लोग जिंदा रहोगे या नहीं, बस ये सोचो, आज के बाद तुमसे कोई मतलब नहीं। तूने एक बात पर ध्यान दिया, कुमार और रेलू मलाई दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कौन सी बात? वही यार कि कल तक तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इसके पीछे बॉक्सर है, उसकी लड़की को उठाया ना हमने, आई एम श्योर उसने स्केच डाला होगा। क्या यार हम लोगों ने उठाया, ऐसा बोल रहा है? ये सूरा के लिए अच्छा चांस साबित होगा, बॉक्सर अगर शांत भी रहेगा ना तो सूरा उसको चुपचाप नहीं रहने देगा। ए, ए, कौन लाइट मार रहा है? ए, बीच रास्ते में मुजरा कर रहा है क्या? यहाँ से निकल चलते हैं वीरा। मेरा नाम वीरा है क्या रे? गाड़ी क्यों रोकी तूने? इसके आगे नहीं जा सकते मेरे भाई, उधर देख लेलूर, इसको क्रॉस करेंगे तो आंध्र आ जाएगा, भाषा नहीं मालूम, पानी पीना होगा तो क्या बोलेगा, चल वापस चलते हैं। ए? ए, फोन उठाएंगे तो क्या वो काट देगा? क्या डरता है तू भी? हेलो हेलो वीरा, मैं रेणुका बोल रही हूँ, तुम लोग कहाँ हो? हेलो हम लोग कहाँ भी है, छोड़ो तुम्हें उससे क्या? आज तुम जिस सिचुएशन में उसकी एक वजह मैं भी हूँ, मेरे पापा समझ रहे हैं कि मुझे तुमने किडनैप किया है। तुम लोग जहाँ भी रहोगे पापा मार डालेंगे तुम्हें, लेकिन वो लोग एक जगह नहीं आ सकते, मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ आ जाओ, वहाँ पर मेरा एक स्पाई होगा और मैंने उसे सब बता रखा है। क्या वे मोटे, डबल खाने के साथ साथ डबल गेम भी खेलता है? कुमार के साथ सिंसियरली काम करेगा तो हम लोग के जैसा हाल होगा, इससे अच्छा है जितेश की तरह एक्टिंग कर।
बॉस, रेणुका ने उसके घर पर तुम लोगों को भेजने के लिए खुद कहा था। हाँ। लेकिन तुम लोग भी बहुत जबरदस्त हो। हाँ। इस लड़की को उठाने के लिए बहुत लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिक पाया। पर तुम दोनों भी कमाल के हो, कुमार को क्या टफ चैलेंज कर रहे हो, इसीलिए तो मैं तुम दोनों का फैन हूँ यार। इधर है मोटे, इधर है। अच्छा, क्या मैं रोज रोज नए नए रूम में रहता हूँ ना, इसीलिए कंफ्यूज हूँ। पैर साफ करके आना। पेंट वेंट तो मस्त लग रहा है, बेडशीट भी साफ लग रही है। ए मोटे, वाईफाई है क्या? पासवर्ड बोलना इसका। जनरेटर ऑन करता हूँ, चुपचाप बैठ जाओ। और एक बात सुन लो, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बाहर मत निकलना। जो भी चाहिए, यहाँ फोन है, फोन करना, सब कुछ यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना? कुछ भी मांग सकते हैं मतलब? तुम जो सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा, सिर्फ खाना पानी मिलेगा, ठीक है ना? और सबसे जरूरी बात, बाहर जाने के लिए रेणुका ने मना किया है, बाहर का सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा, टाइम अप हो गया। ना शकल है ना ड्रेसिंग सेंस। ए, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? ये लो, रेणुका से गाड़ी मांगी थी क्या? हाँ मांगा ना, मेरी गाड़ी रहेगी तो वो लोग पहचान लेंगे ना, इसलिए। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट हो। होटल के लेफ्ट में ब्लू कलर की पल्सर है, गाड़ी का नंबर है 3890। टैंक फुल करके रखा है, यूज कर लेना, चलता हूँ। क्या है? बात बता, रेणुका ने तुझे कैसे रख लिया? कुमार को अगर पता लग गया ना। पहले मैं भी रेणुका से बहुत प्यार करता था भाई, उसे दिलो जान से चाहता था। एक दिन मैंने उसे लव लेटर दे दिया, उस लव लेटर को उसने खोल कर भी नहीं देखा, मगर मैं ये सोचकर खुश था कि उसने लव लेटर देख लिया होगा। उसके बाद मैं रोज उसको लव लेटर देने लगा। एक दिन लव लेटर का सिलसिला रुक गया, पता है क्यों? क्योंकि लव लेटर के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। यहाँ जो जो भी हो रहा है अगर मुझे नहीं बताओगे तो कुमार को तुम्हारे लव लेटर के बारे में बता दूंगी, ऐसा बोलकर उसने मुझे लॉक कर दिया। मतलब तू अब भी रेणुका से प्यार करता है? वो स्टार्टिंग से जो प्यार करता था वो अभी भी है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी जान से प्यार है। प्यार करने वाले डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो प्यार नहीं करते। अरे बाप रे, समझ गया। जान प्यारी है तो डरना पड़ता है भाई। तुम मेरे राशन कार्ड से मेरा नाम हटाना चाहते हो क्या? दरवाजा बंद कर लो, होशियारी मत करो। तुम लोगों ने एक दूसरे का नाम टैटू करवाया हुआ है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो। बच्चा भैया, तुम इतने अच्छे से रहते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन गुस्सा आते ही किसी का भी खून करने पर तुल जाते हो, ये गलत नहीं है क्या? सच कह रहा हूँ बहन, आज तक मैंने एक मच्छर तक को नहीं मारा, कसम से। स्केच शेखर का गेम बजाने के लिए हम लोग गए थे, हमने हथियार दिखाया तो हार्ट अटैक आ गया, मर गया बेचारा। बहुत बुरी किस्मत थी बेचारे। हाय बीजा। हाँ भाई, वही ऑर्डर कल वाला अमेरिकन डिश। हाँ, एक फुल, एक चिकन फुल, एक ठंडा पानी का बॉटल और एक जूस का पैकेट। हाँ जल्दी। हे, अरे वो डिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर से क्यों ऑर्डर कर दिया तूने? मुझे कौन सी पसंद है यार, क्या करूं? अगर हम लोग अमेरिकन डिश खाएंगे तभी तो हमारी अमीरों में गिनती होगी। हाँ, इतनी जल्दी आ गया? हे ब्रो,
राजा राजा जाओ गाड़ी में बैठो। सूरा अभी ये लोग मेरी कस्टडी में है, कुछ मत कर वरना प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, भेजे में डाल ले। हे, जो बोला याद रखना। क्या यार लेग पीस को ना, जिस दिन मैं बिरयानी खाता हूँ ना मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। जांटी क्या बात है वो बोलो, ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सॉरी यार, देख धंधा अलग है और फ्रेंडशिप अलग है, तुझे बचा कर लॉक करने के लिए कहा है ना, कसम से इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? लगता कुमार ने बहुत बड़ा प्लान किया है, मैंने कितनी बार बोला तुझे, तू सुनता है? अच्छी, चुप रहे तू, जब सब कुछ सही चल रहा था तब तू चुप था, अब क्यों उछल रहा है? तू चुप बैठ, मुझे कुछ सोचने दे। क्या रे सामान में दम नहीं है क्या, ऐसा क्यों करता है तू? नहीं किया था भाई, भेजे में दम नहीं है क्या? हाँ बोल ना। हाँ 5 मिनट में खत्म कर देंगे। ओके यार, बीरा कुमार लाइन पर है। काम खत्म होते ही निकल जा बोला तो निकल जाना चाहिए। मेरी मैना से तू नैन मिलाएगा। तुम लोगों को टपकाने के लिए मैंने जॉन्टी को भेजा था, लेकिन सूरा बीच में आ गया। रेणु से तूने प्यार किया इसलिए तुझे मार डाला, ये पूरे शहर को पता चलना चाहिए। अगले 5 मिनट में तुम लोग खत्म। अरे भाई मैं सिर्फ इसके साथ आया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरे से। अबे मुंह बंद कर, सारा काम साथ में करके अभी बच के भागना चाहता है क्या? भाई मैंने इसे कितनी बार बोला लड़की के चक्कर मत पड़, लेकिन ये सुनता नहीं था। भाई मेरी बात का यकीन करो ना। ये चरकोट मुंह बंद करता है कि नहीं? भाई शेखर को हमने मार डाला ये सोचकर कि आपका काम है। हे नो 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 नो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा रेणु का और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैंने उसकी हेल्प की थी तो रिटर्न में उसने मेरी हेल्प की, बस इतना ही है। अगर आप एक मौका दे तो मैं उसे कॉन्फ्रेंस पे लाता हूँ। ये सबकी क्या जरूरत है यार? लाई दर्द है क्या यार, घसीटते जा रहे हो? बोल ना कुमार, फिनिश कर दूं? जॉन्टी थोड़ा रुक जा। हेलो हेलो रेणुका। हाँ बोलो। तुमने ही हम लोगों को उस होटल में ठहराया था ना? हाँ क्यों? और तुमने ही मेरे पास आके बात की थी ना? वीरा मुझे कुमार से बात करनी है। थोड़ी देर चुप रह तू। ए रेणुका। कुमार जिंदगी में पहला अच्छा काम क्या है कि मुझे उठाने का काम वीरा को दिया। तू मुझे उठा रहा है कहकर नामर्द की तरह दूसरों को भेज रहा है, वो सच में मर्द है समझ गया, अपने नाम की तरह। और हाँ एक और बात, मैं वीरा से ही प्यार करती हूँ। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। नहीं और तू पहले बाहर आ और अपने हाथों से उसे मार, फिर मैं खुद तेरे साथ आ जाऊंगी। लेकिन तेरी एक बात मुझे पसंद है, बाहर आने का बिल्डअप देकर अंदर बैठा रहता है, अभी भी वही कर। गुड बाय। सॉरी यार। अरे तूने उसको क्यों फोन किया? हाँ बोल कुमार। उसको सेफली रख, मारना मत। मैं खुद बाहर आके उसको मारूंगा। समझ गया, दिखाता हूँ मर्दानगी। ठीक है भाई। बोल ना बिरयानी खाएगा क्या? बिरयानी? कुमार इस वक्त बाहर जाना रिस्क है। और इस काम के लिए जॉन्टी से अच्छा और कौन है? इस बार जॉन्टी को बोलना उसे बचा के रखे, किसी भी हालत में वो मरना नहीं चाहिए। कुमार के नाम का डर निकल गया ना, बाहर आकर बताता हूं, उसकी आंखों के सामने उसको मारूंगा। कुमार बाहर आ रहा है, हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। उसको मारने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं ही मारूंगा। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे तड़पा के मारूंगा। कुमार को कभी भी मार सकते हैं, पहले उन दोनों को मारना है, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे 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 वो तो मच्छर है मच्छर, तू पहले जाके कुमार को मार, बाकी की बात में देखते हैं। ज्यादा मत सोच, निकल, टाइम नहीं है। ठीक है भाई। कुमार को मारना ठीक होगा क्या? इस वक्त अपना ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, संभल कर। पहले इस लड़ाई का तमाशा देखेंगे, जो बचेगा वो हमारी टीम में शामिल हो जाएगा और जो खिलाफ जाएगा उसे काट डालेंगे। ए, टकला भाई। हाँ? बहुत मूड ऑफ है। हाँ? चलेंगे बाहर कुछ पीने? पियेंगे ना, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ड्रिंक होगी ना, जितना चाहो पी लेना। कुमार
कभी भी आ सकता है। ला 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 ला। अरे जीतेश, वो वीरा और पच्चा दिखाई नहीं दे रहे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो बाप? अरे वो तो पेशाब करने जा रहे हैं, बोला था। वो पीकर कहीं पड़े होंगे। जाओ सब लोग। क्या हुआ, तुम लोग नहीं जाओगे क्या? जाओ ना। ऐसे बोल रहा है जैसे चकना छोड़ कर आया हो वहीं पर। ये लोग गुंडे बनने के लायक नहीं है जॉन्टी, इनको बेकार में लेकर घूमते हो। हाँ? भाई वो दोनों हमें मामू बना के भाग गए। अरे जीतेश, हाँ? कुमार को पता चला तो टेंशन में आ जाएगा। अच्छा क्या करें? उन लोगों ने कहा कि बाहर दारू पियेंगे और तुम लेकर आ गए। तुम भी गधे हो, तुम्हारे टकले में भेजा ही नहीं है, अब उनको कहाँ ढूंढेंगे हम। हाँ? अरे वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ? चलो चल के ढूंढते उन्हें। अच्छा हम दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मंडल के सामने जो दक्षा होटल है, तू वहाँ पे जाके वेट कर, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। क्या काम है? चल मैं भी चलूँ तेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जा। भाई जॉन्टी का फोन है। कुमार, तुझे जो टीम मारना चाहती है ना, उनको लॉक करने के लिए अपने लड़कों को भेज दिया है और लॉक भी कर दिया है, लेकिन बस आज की रात ही संभाल पाऊंगा उनको मैं। आज रात तक वीरा का मैटर खत्म कर देंगे और कल सुबह हम सरेंडर हो सकते हैं। अच्छा सुन, सारे लड़के तैयार है ना? जी भाई सब फिट है। ए, तेरा प्लान क्या है? लड़के लोग तैयार हैं, ये क्यों पूछ रहा है तू? भाई मुझे डर लग रहा है। चल चल रे। अच्छा यही वो स्केचर जहाँ गेम होने वाला है। बॉक्सर के घर की तरफ गाड़ी ले, पहले उसकी लड़की को उठाना है, फिर रेनू की आंखों के सामने उसको मारूंगा। बोलो वीरा। रेनू, कुमार तुम्हें सीधा उठाने आएगा, उसे कैसे भी करके मंडल के पास लाना है। तुम जितेश से बात करो। हेलो जितेश। रेनू का तुम्हें उठाने के लिए कुमार तुम्हारे घर आ रहा है, तुम जरा संभल कर रहना। सूरा और मेरे पापा की बात सुनने के बाद लग रहा है कि वो मुझे मंडल में ठहराएंगे, क्योंकि पुलिस ने भी मदद करने से मना कर दिया है। मुझे लग रहा है कि कौन है रे बेवकूफ। अरे जॉन्टी, मंडल में ही वीरा भी रहेगा। बेटी तू तेरे जासूस से बाद में बात कर लेना। ए जीतेश, तेरी शक्ल पे जासूसी शोभा नहीं देती है बे। अगर कुमार को पता चल गया कि तू उसकी जासूसी कर रहा है तो जिंदा गाड़ देगा। वो वीरा मंडल पे ही है, वो लड़की भी उधर ही आएगी। अगर मंडल पे जाएगा तो उन दोनों को उठा सकता है, लेकिन कुमार एक लड़की के मामले में तू बाहर आई, ठीक नहीं किया। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बोल दिया, बाकी अब तू संभाल। गाड़ी को मंडल की तरफ ले चल। देवा, सूरा से बात करके तू उसे मंडल के पास ला। ओके भाई, सिचुएशन सही नहीं लग रहा है, दाल में कुछ काला है। मेरा स्केच बना दिया है, यही ना, मेरे को सब पता है। सूरा टाइम पे पहुंच जाएगा भाई। सूरा और कुमार को मंडल में बुलाकर आमने सामने कर देंगे। सूरा में दम है, वो कुमार को टपका देगा। ए, कुमार और सूरा के बीच झगड़ा होगा तो एक मरेगा एक जीतेगा, तब अपनी टीम को उतरना होगा। ये मिस्ट का माला है, नीचे से कोई देखेगा तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ से हम वॉच करेंगे। राजीव, तुझे मंडल के सामने तमाशा करना होगा। कदिर, तू मंडल के ऊपर से नीचे उतरना, बोर्ड के पीछे अपना सामान रहेगा। स्टीफन, ये रहा मंदिर, मंदिर के पीछे से तू आएगा। स्केच होना ही चाहिए और हम में से किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई और अपने सारे लड़के मारे गए तो? बिना कुछ सोचे समझे हम आज इस मंडल को हासिल करने तक पहुंच गए ना। आज हमारा स्केच काम कर गया ना तो तू देखना। अगर नहीं हुआ तो? ए, किधर गया वो देवा? यहीं पर तो था भी। ए सूरा, कुमार आया है देख। ये फ्रॉड इधर क्यों आया है? सामान तैयार रखा, जिसको खत्म करते हैं।
और तेरी तो सारे लड़के मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया, मंडल मंडल छोड़। ए, किधर जा रहा है तू? वीरा, वीरा, पागल हो गया है तू? कुछ भी हो जाए तो बीच में मत जाना, कुछ भी हो सकता है। बच्चा तू यहां से चला जा। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? चल मरेंगे तो साथ मरेंगे। नहीं बच्चा तू मत आ, मुझे जाना होगा, मंडल मिले या ना मिले लेकिन मंडल के लिए नाम तो होगा। तू यही रुक। वीरा, बच्चा मैंने कहा ना तू वहीं रुक। कुमार नामर्द नहीं है, मर्द है मर्द। रेनुका को मुझसे छीनेगा तू? मार के दिखाना मुझे। तेरी मौत का तमाशा देखेगी वो। चला है मुझसे पंगा लेने, मुझसे दगाबाजी करोगे तुम लोग? हाँ तेरी तो। हिम्मत कैसे भाई तेरी इस धंधे में दगाबाजी करने की? कुमार को पता चला तो वो काट देगा। भाई वो लड़की वीरा से प्यार करती है और मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। यानी हाँ? तुम लोगों ने प्लान करके कुमार को फंसा ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन कुमार बहुत शाना है। देखो जॉन्टी, मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। फोन की घंटी बज रही है, उठाओ। इसका भी कोई फ्लैशबैक है? उठाओ भाई। कुमार का गेम बजा दिया यार। तलवार के मुंह से अगर सही तरीके से इंसान पर वार किया जाए तो इंसान वहीं खत्म हो जाता है। वीरा, मार दे उसे। बराबर से। वीरा। हाँ सर। मुझे तुमसे जैसी उम्मीद थी तुम वैसा ही कर रहे हो, दिल को बहुत सुकून मिला। तू ही वीरा है क्या?
सुपर्ब। वीरा नाम का अर्थ क्या है? जब इस बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये वो वीर है जो जंग में लड़कर किसी भी सूरत में विजय हासिल करता है। ये है वो वीरा। इसे पद को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के पास पद खुद ही चलकर आ जाता है। वीरा इस मंडल का अध्यक्ष बन गया तो पूरा मंडल जश्न मना रहा है। बहुत अच्छा काम किया राजेंद्रन भाई। ए देवा, तू तो हमेशा सूरा के साथ रहता था, तू उसके खिलाफ कैसे हो गया? उसने एक दिन मेरी छमिया के सामने थप्पड़ मारा, इसलिए काट डाला। चल ठंडा तेल लगा के सो जा भाई। हाँ, नेता बनने के बाद किसी को झापड़ नहीं मारने का। हाँ। और गाली भी नहीं देने का। तेरा एक वीडियो बनाना वायरल हो जाएगा रात और रात। सलाम भाई। सलाम भाई। क्या रे? कुछ नहीं भाई, दरअसल आपसे स्केच सीखना चाहता हूँ। स्केच? दरअसल भाई, जब मेरी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि फेवरेट हीरो कौन है तो मैंने आप ही का नाम लिया। चूरा लगा रहा। तू जा रहे? चलो निकलो। क्या सोचते हो तुम लोग है? क्या रे, जानता है मंडल क्या होता है? तेरी आंखों में आग दिख रहा है मुझे। बात तो है तुझमें, मंडल क्यों चाहिए तुझे है? वीरा के पास स्केच सीखने गया था तो वो मुझ पर हंस रहा था। मैं इतना निकम्मा लगता हूँ क्या? कैसे भी मंडल अपुन को चाहिए। और सुन, अध्यक्ष मैं और तू उपाध्यक्ष। ठीक है भाई। थुत तेरी। जानता है तू ये मंडल क्या होता है? बोल। मंडल मतलब कैरम खेलना, चेस खेलना, पत्ते खेलना, टूर्नामेंट रखना, ये समझता है क्या? ये एक धंधा है, राजनैतिक। जितने भी काम होते हैं उसमें कमीशन फिक्स होता है।